student. Here we study the another animal fiber, that is silk. Silk is also obtained from natural source, that is animal source. So it is called silk fiber. Silk fiber are also animal fiber. या हमें जानवरों से मिलता है इसलिए हम इसे animal fiber भी कह सकते हैं. ये हमारा नेचुरल फाइबर के ही पार्ट्स है. एक हमारा प्लांट फाइबर था, एनिमल फाइबर जिसमें हमारा ऊल था, और एक सिल्क है. ठीक है ना, हम ऊल के बारे में पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में. इस वीडियो में हम लोग सिल्क के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है ना, तो सिल्क को पढ़ने के लिए हमें टॉपिक जानेंगे सेरिकल्चर. व्हाट इज सेरिकल्चर? रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क कमर्शियल यूज. ठीक है ना, इस कॉल सेरिकल्चर. इसे हम सेरिकल्चर कहते हैं जब हम ज़्यादा से ज़्यादा उनका ख्याल रखते हैं, उनका उत्पादन करते हैं सिल्क ऑब्टेन करने के लिए, लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए. उसे उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेरिकल्चर. ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे सेरिकल्चर के बारे में. पढ़ने से पहले हम इसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे. सिल्क मौत कैसे आया, कहाँ से आया, और किस तरह इसका प्रोडक्शन होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे. ठीक है ना, सिल्क वाज डिस्कवर्ड इन चाइना फर्स्ट. ये पहले, सबसे पहले ये चाइना में इसका डिस्कवर हुआ. ठीक है ना, एंड द चाइनीज मैनेज टू कीप सिल्क अ सीक्रेट फॉर ओवर 1000 ईयर्स. और ये हजारों साल तक चाइनीज इसको मैनेज करके रखा है, इसको छिपाने में. ठीक है ना, इसको छिपाए रखा और इसको अपने चाइना से लीक होने नहीं दिया. ठीक है, लेकिन फिर भी ये धीरे धीरे लीक होता चला गया. इट वॉज अ ग्रेट सोर्स ऑफ वेल्थ फॉर चाइना. ये हमारे चाइना का क्या था, इनकम का बहुत ही बड़ा सोर्स था. ठीक है ना, नो वन एक्चुअली नोज हाउ सिल्क कम आउट ऑफ चाइना. कोई नहीं जानता है कि चाइना से सिल्क वर्म कैसे आया. ठीक है, इन 300 AD है ना, 300 AD के समय क्या हुआ, ए जैपनीज एक्सपेडिशन सक्सीड इन टेकिंग सम वर्म्स एग एंड फोर यंग चाइनीज गर्ल टू जापान. ठीक है ना, 300 AD के समय क्या हुआ, एक जापानीज एक्सपेडिशन क्या इसको चुराने में, वहाँ से लाने में, चाइना से लाने में क्या हुआ, सक्सेस हुए. और चार गर्ल्स को भी, चाइनीज गर्ल्स को वहाँ से लेके आए ताकि वह इसके प्रोसेस को बता सके, समझा सके. ठीक है ना, सिर्फ सिल्क वर्म लाने से ही नहीं होता, उसके बारे में कैसे कैसे उसका प्रोसेस है, कैसे सिल्क बनाया जाता है, उसको भी जानना जरूरी है. ठीक है ना, इसलिए वो चार गर्ल्स को भी चुरा के वहाँ से लाए. इन 550 AD 550 AD के समय टू मॉन्क्स फ्रॉम द ब्राजील एम्पायर मैनेज टू सम सिल्क वर्म एग आउट ऑफ द कंट्री. कुछ ब्राजील एम्पायर क्या हुए, इसको मॉन्क्स जो इसको फिर ला के चुरा के लाए और दूसरे दूसरे देशों में क्या किए, इनको सिल्क वर्म्स को बांटे. ठीक है ना, जिससे क्या हुआ, सिल्क के बारे में पूरे देश को जानकारी हुई. और इन इट इज आल्सो सेड दैट सिल्क वाज ब्राउड. और यह भी जाना जाता है कि सिल्क इंडिया में चाइनीज प्रिंसेस के द्वारा लाया गया. ठीक है ना, तो सिल्क कैसे कैसे आया, इसका बहुत ही बड़ा क्या है, इसके पीछे कहानी है. हमारे यहाँ तो कॉटन उगाया जाता था, इसलिए हम आसानी से उसको कल्टीवेट करते रहे, लेकिन सिल्क को कल्टीवेट करने के लिए हमें बहुत सारे क्या हुआ, प्रोसेस से गुजरना पड़ा. ये दूसरे दूसरे के द्वारा ये दूसरे दूसरे देशों में फैलाया गया, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में फैलाया गया. उसके बाद ये है ना क्या हुआ, फैलता गया. चाइना क्या सबसे फर्स्ट इसको कल्टीवेट करता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेट करता है. और सेकेंड स्टेज में हमारा इंडिया भी इसको कल्टीवेट करता है. हमारा बहुत ही मनुष्यों का इस पर क्या है, लाइफ डिपेंड है ये. इसमें बहुत सारे वुमेंस भी काम करती हैं इनकी इंडस्ट्री में, जिस कारण क्या होता है, उनका रोजी रोटी चलता है. ठीक है ना, तो सिल्क वर्म से सिल्क बनाना हमारे कंट्री में भी बहुत ही बड़ा क्या है, इकोनॉमिक बेस है. ठीक है ना, 6600 सिल्क आर किल्ड टू मेक जस्ट 1 kg ऑफ सिल्क. 1 kg सिल्क बनाने के लिए 6600 सिल्क वर्म को क्या किया जाता है, मारा जाता है, बॉयल किया जाता है, तभी क्या होता है, सिल्क हमें मिलता है. इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा साइड है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, सिल्क वर्म को मारा जाता है, तभी हमें सिल्क प्राप्त होता है. ठीक है ना, हम जानते हैं क्या कि सिल्क मौत हमें किससे मिलता है,
से हमें फीमेल सिल्क वर्म से मिलता है, उससे वो एक देती हैं और मलबेरी पत्ते पर वो फीड करती हैं, उसके बाद वो अपने चारों तरफ कोकून का क्या करती है, डिस्कवर करती है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करती है। वो प्रोटीन लेयर होता है, जैसे ही वो एयर के कॉन्टैक्ट में आता है वो प्रोटीन लेयर क्या होता है, हार्ड होता चला जाता है, और उससे हम क्या करते हैं, सिल्क वर्म बनाते हैं। इसी तरह हम सिल्क वर्म के प्रोसेस को स्टेप बाइज देखेंगे, ठीक है ना। इसमें हम क्या जाने, हिस्ट्री ऑफ द सिल्क। अब हम देखेंगे स्टेप ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। हियर द वी स्टडी द प्रोसेस ऑफ हाउ वी ऑब्टेन सिल्क। फर्स्ट सिल्क मोथ, फीमेल सिल्क मोथ ले एग्स, वो अंडा देती है। फिर अंडा क्या होता है, हैच होता है, टूटता है, उसके बाद उसमें से क्या निकलता है, लार्वा निकलता है। लार्वा को हम सिल्क वर्म्स भी कहते हैं, ठीक है। और उसमें से सिल्क वर्म्स जब निकलते हैं वो मलबेरी लीफ पे क्या करती हैं, अपना फीडिंग करती हैं, मतलब उनको खाती हैं। फिर उसके बाद उनका क्या होता है, ग्रोथ होता है। एक ग्रोथ होने पर वो क्या करती हैं, माउंटिंग करती हैं। माउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें उनके स्किन क्या होते हैं, सेड आउट होते हैं, झड़ते हैं। ये लगभग चार बार उनकी स्किन झड़ते हैं, ठीक है ना। फिर वो अपने चारों तरफ क्या करते हैं, कुकून का फॉर्मेशन करते हैं। कुकून का फॉर्मेशन वो एट के रूप में करते हैं, ठीक है ना। सिल्क मोथ अपने चारों तरफ एट बनाते हुए कुकून का फॉर्मेशन करती हैं, और वो कुकून क्या करती हैं, फार्मर द्वारा बॉइल किए जाते हैं, और वो बॉइल होने के बाद उनका फाइबर्स बनाया जाता है। फाइबर्स बना के उसको रीलिंग किया जाता है, उनको धागे के रूप में रील बनाया जाता है, ठीक है ना। और उसी धागे को फिर स्पन करके बनाया जाता है, थ्रेड बना के से उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर में डाई किया जाता है। डाई करने का उसको वेविंग किया जाता है, वेविंग मतलब बुनाई किया जाता है। उसके बाद उसे फैब्रिक बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है। तभी हम मार्केट से सिल्क के कपड़े क्लॉथ्स लेके आते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक लंबा प्रोसेस हुआ सिल्क मोथ से हम कैसे सिल्क फैब्रिक प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये लंबा प्रोसेस है, इसमें बहुत सारा मैन पावर लगता है। इस कारण सिल्क क्या होता है, कॉस्टली होता है। और सिल्क डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही तरह के सिल्क होते हैं, सिल्क मोथ होते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप्स के सिल्क मोथ होते हैं, और वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक और लार्वा प्रोड्यूस करते हैं, जिस कारण हमें डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के सिल्क प्राप्त होते हैं। जैसे हमारा हो गया टसर सिल्क, हो गया मूंगा सिल्क, हो गया कोसा सिल्क, हो गया मलबेरी सिल्क, हो गया। और मलबेरी सिल्क क्या होता है, सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उसका जो सिल्क होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक है ना। तो इसको हमने क्या किया, आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखवा दिया है, ठीक है ना। इसको आप पॉइंट सारे पॉइंट को अच्छे से लिखिएगा तो आपको क्या होगा, समझने में आसानी होगी, ठीक है ना। ए फीमेल सिल्क मोथ ले हंड्रेड ऑफ एग्स एट अ टाइम, एक बार में एक सिल्क मोथ हंड्रेड ऑफ मतलब सौ से भी ज्यादा एक क्या करती है, रिलीज करती है। द एग आर स्टोर केयरफुली ऑन द स्ट्रिप्स ऑफ द क्लॉथ एंड पेपर, और उसे उस एग्स को क्या किया जाता है, बहुत ही केयरफुली कपड़े पर या पेपर पे स्टोर किया जाता है। द एग आर वार्म्ड बाई द सुटेबल टेम्परेचर, और उसको सुटेबल टेम्परेचर प्रदान किया जाता है, सुटेबल ह्यूमिडिटी प्रदान किया जाता है, जिस कारण वो क्या किया फार्मर के द्वारा, और उसको उससे जो लार्वा निकलता है उसको क्या किया जाता है, फार्मर ऑब्टेन करते हैं। दिस इज डन बाय द मलबेरी ट्री है, कहाँ पे होता है, मलबेरी ट्री पे किया जाता है। द लार्वा आल्सो कॉल्ड द कैटरपिलर और सिल्क वर्म, और लार्वा को हम कैटरपिलर भी कह सकते हैं और सिल्क वर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। कैटरपिलर्स और सिल्क वर्म भी कह सकते हैं, ठीक है ना। आफ्टर 25 to 30 days, 25 से 30 दिनों के दिन के बाद क्या होता है, कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग, खाना बंद करता है और वो रेडी हो जाता है स्पन कुकुन, मतलब अपने चारों तरफ कुकुन बनाने के लिए। और कुकुन क्या होता है, प्रोटीन का लेयर बनता है, जो एयर के कॉन्टैक्ट में, सन के कॉन्टैक्ट में आते ही फिर वो हार्ड होने लगता है, ठीक है ना। ए पाइल ऑफ कुकुन इज यूज फॉर ऑप्टेनिंग सिल्क फाइबर, और उसे ही हम लोग क्या करते हैं, उस कुकुन से ही हम सिल्क फाइबर का तो ऑप्टेन करते हैं। सिल्क फाइबर को ऑप्टेन करने के बाद उसको थ्रेड में बनाते हैं, थ्रेड में बनाने के बाद उसको कलर में डाई करते हैं, कलर में डाई करने के बाद उससे वो वेविंग करते हैं, वेविंग करने के बाद उससे कपड़ा बनाते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क हम लोग के कंट्री में, डिफरेंट टाइप्स के सिल्क पाए जाते हैं, जैसे टसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क, मलबेरी सिल्क, इटीसी। आप अपने घर में अपने मम्मी के, दादी के, चाची के, जिसके भी कपड़े हों सिल्क के, उनके उनसे मांगिए, उनके क्वालिटी को देखिए, टेक्स्चर को देखिए, सब अलग अलग क्या होगा। जैसा टोसा सिल्क है, मूंगा सिल्क,
सिल्क का अलग टेक्सचर होगा, उसका अलग कोर्स होगा, ठीक है ना, उसका अलग साइनिंग होगा। सबके अलग अलग साइनिंग होते हैं, प्रॉपर्टी होते हैं और उनके अलग अलग प्राइसेस होते हैं। इस तरह आपका क्या हुआ, सिर्फ फाइबर का सारा प्रोसेस आपको समझा दिया गया। आप इसको एक एक करके आप क्या करेंगे, रीड आउट करेंगे और बुक को स्टडी करेंगे, जिससे आप सारे टॉपिक्स को समझ पाइएगा अच्छे से।